आप सभी को मेरा नमस्कार और राम राम सभी को। ये जो है हमारे बारह राणा थारू स्मारक में प्रवेश द्वार है और आज जो है यहाँ पर तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पर आपके समक्ष प्रोग्राम भी होंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं बारह राणा स्मारक के अंदर, जहाँ पर नाना प्रकार के जो है हमारे प्रोग्राम होंगे, जो हमारे कल्चर से संबंधित हैं उससे जानकारी आपको मिलेगी। महाराणा प्रताप के तीज पर्व का भी कार्यक्रम मनाया जाता है, जो आज के बीच प्रस्तुत है। हमारे थारू समाज के जो भी महिलाएं पुरुष मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं और एक सुंदर सा झूला डालकर उस जो है सावन के इस महीने में झूले का महिलाएं झूला झूलती हैं। और हमारे जो हिंदू समाज के, जो थारू समाज के हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे हमारे उरी गुलगुला और अन्य जो हमारे हिंदू समाज के कार्यक्रम हैं, व्यंजन हैं, उनको वितरित करते हैं और इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ मिलजुल कर इस कार्यक्रम को मनाते हैं। आपने है सब अपनी भाषा ना ऐसे नागपुर से बहु मायक है। अच्छा दोनों बताओ काखन बनाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, पूरी गुलगुला बनाए गए और नदिया में सिराया था और झुड़का में गांठी उठी गचते हैं, बिहारी सात गांठी गचते हैं और कुआरी लौड़िया पाँच गांठी गचते हैं। जय तीज को त्यौहार जय मनाया जाते हैं। आपको पता है इस तीज महोत्सव में गत वर्ष के भांति इस वर्ष में हमारी माताएं बहनें यहां पर उपस्थित हैं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कृति, इसको संरक्षण व संवर्धन करने के लिए इस उद्देश्य से यहां पर सारी हमारी माताएं बहनें यहां पर उपस्थित हैं और साथ ही हमारे भाई बहन भी उपस्थित हैं। आज तीज का मैं एक ऐसा महत्व आपको बताऊंगा कि हम क्यों इसको मनाते हैं, इसका क्या कारण है। और लोक परंपरा के आधार पर हमारी संस्कृति के अनुरूप ये एक बहुत ही प्राचीन कथा और तथा प्राचीन धर्म है। तीज मनाने का उद्देश्य ये सावन के महीने में कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन आरंभ किया जाता है तीज, और तीज को सभी माताएं बहनें भजन कीर्तन करके और ये तीज के गीत करके इनको कार्यक्रम संचालन करने का कार्य करते हैं। और साथ ही जो विभिन्न रूप से हमारे पारंपरिक पकवान होते हैं उनको बनाया जाता है। आज इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लोक कथा, लोक के विनती के अनुरूप तीज क्यों मनाया जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे समाज में बेमैया का एक बहुत बड़ा अर्थ है। जब हमारे शिशु पैदा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपनी भित्ति चित्रों में उनका चित्र का प्रदर्शन करते हैं हम, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं तीज का एक महत्व है, इसलिए हम तीज को मनाने का काम करते हैं। तीज अपने आप में एक पारंपरिक त्यौहार होने के नाते साथ ही हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का भी कार्य करती है। तो बेमैया को तो सब जानते हैं, कितने लोग जानते हैं बेमैया को, हाथ उठाओ, और कितने लोग पूजते हैं, सभी लोग पूजते हैं मेरे ख्याल से। तो बे और मैया नामक दो ऐसी माताएं थी जो हमारी पूर्वज थी प्राचीन काल में। तो ये माताएं जो है अपने सगे संबंधी और अपने पूर्वज और अपने कुटुंब की याद में, या वो कहीं पर दूर दराज काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये तीज का व्रत रखती थी, तीज का व्रत धारण किया करती थी। इस प्रकार से तीज में आजकल कालांतर में बदल गया है, तीज रक्षाबंधन का रूप लेने लगा है धीरे धीरे, लेकिन उस समय जो है जो हमारा दवेना नाम की एक घास हुआ करती और गड़ौधा नाम की एक घास हुआ करती थी, उस घास में अर्घ देकर हम तीज गंगा तट के किनारे मनाते थे और उसको प्रवाहित करने का काम करते थे, और हम भगवान पार्वती और भगवान शंकर से आराधना करते थे कि हमारे पूरे परिवार के लोग
यश समृद्धि को प्राप्त करें। इस प्रकार से तीज मनाने का ये कार्य होता था, लेकिन इसके पीछे एक किंवदंती और है। जैसा कि हमारे छोटे शिशु होते हैं तो पैदा होते ही कभी वो रोते हैं, कभी हंसते हैं, तो ये एक बेमैया का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। मतलब बेमैया माता का एक अंश जाता है उनके ऊपर, तो उसका एक रोने का एक हंसने का कारण मैं आपको आज बताऊंगा। मैं तो तीज महोत्सव के आधार पर हंसने का एक कारण मैं बता रहा हूँ। जब हमने अपने पूर्वजों को और अपने भाई बंधुओं को, हमने जो दूर दराज में रहते थे उनको हम पूरी गुलगुला अर्ध देकर गंगा में प्रवाहित करते थे, तो आसानी से प्रवाहित हो जाता था। तो वे मैया जो है, जो मैया नाम की जो थी, वो हंसती थी, बोले ठीक है ये हमारा क्या नाम के हमारे पूर्वज तक पहुँच गया। दूसरा जो बे नाम की जो मैया थी वो भी अर्ध दे रही थी, तो नदी के किनारे जो है जहाँ पानी घूमने लगता होता था तो वहाँ पर वो उसका अर्ध वहीं रह जाता था। तो इससे वो दुखी होकर बड़ा व्यथित होती थी कि बोले मेरे पूर्वजों का और मेरे जो कुटुंब के आदमी थे उन तक मेरी जो शुभकामनाएँ भगवान के प्रति नहीं पहुँची। जो देवी जो चाहती थी कि मेरी जो पूरी पूर्ण रूप से जो मेरी पूजा जो है उनको उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका कारण है कि ये रहता है कि इस प्रकार से वो बड़ा व्यथित थी, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। तो इतने में माता पार्वती वहाँ पर भ्रमण कर रही थी गंगा तट के किनारे, उन्होंने देखा कि ये दोनों लोग क्यों हंस रही हैं और क्यों रो रही हैं, इसका क्या कारण है। अब उन्होंने जाकर उनसे पूछा, वे मैया से पूछा कि बोले आप रो क्यों रही थी। तो भैया ने बताया कि बोले कि जो मेरा मैंने जो अर्ध दिया था अपने पूर्वजों को, अपने कुटुंबों को जो अर्ध मैंने दिया था, वो उसको गंगा भैया ने आसानी से स्वीकार कर लिया। तो वो तो हंस रही थी, बोले रोने का कारण मेरे को पता नहीं है। तो रोने का कारण उनसे पूछा गया भैया से, बोले कि आप क्यों रो रही थी। तो उन्होंने बताया कि मैं जो अर्ध मैंने जो गंगा नदी में दिया है वो अर्ध जो है स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए मैं रो रही हूँ। उस दिन से हम लोग अपने भित्ति चित्रों में, अपने जहाँ हमारे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके दोनों का चित्र अंकित करते हैं उसी दिन से, और एक महीना तक बच्चे के अंदर वही लक्षण रहते हैं, कभी वो हंसता है, कभी रोता है। इसलिए हम इस तीज त्यौहार को मनाते हैं इसी के कारण से। तो ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बताई, तो शायद ये कहानी बहुत लोगों को याद ना हो, तो इसके पीछे एक कहानी है। इस प्रकार से हम उसी दिन अपने, हमारी जो बहनें, हमारी माताएं जो होती हैं उनको हम अपने घर लाते हैं और उनको जितना भी हमारे घर से हो सकता है उनको खिलाते पिलाते हैं, और जो भी घर में अच्छा पकवान बनता है तब मानते हैं, और लोक संस्कृति के आधार पर उनको उनके जो तीज और त्यौहार होते हैं उनके वो अपने घर में मनाने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये किंवदंती के अनुरूप ये कथा थी, तो एक छोटी सी कथा थी। और आज हम अर्ध जो देने का काम करेंगे, यहाँ से जितनी भी हमारी महिलाएं जाएंगी गंगा तट पर तो यही कार्य करेंगी, पूरी गुलगुला और जो भी पकवान बनता है, तो दबहना की 5 गांठियाँ जो हैं, जो जो कुंवारी लड़कियाँ 7 लगाती हैं और जो ब्याहता 7 लगाती हैं और कुंवारी जो 5 लगाती हैं, तो इस प्रकार से वो भगवान शिव से आराधना करती हैं कि हमें अच्छा वर मिले, हमें अच्छा घर मिले, और भगवान शिव से ये प्रार्थना करती कि हमारे घर में सुख शांति तथा वैभव आए। तो इस प्रकार से इस तीज का महत्व होता है, और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है इस विषय में, तो इस वजह से हमारा एक उद्देश्य था कि वाराणा स्मारक समिति के द्वारा ये जानकारियाँ हम विभिन्न रूप से आपको प्रदान करने का काम करें। तो इस प्रकार से हम तीज मनाते हैं, और साथ ही एक विषय और भी है, जैसे हमारे खटीमा क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, मंगल और शुक्र को तीज की एक ऐसी बड़ी बाजार लगती थी, तो अब तो खैर नहीं लगती है। उस समय लोग, जो औरतों के पास पैसे नहीं होते थे उस समय, तो
अपने घर से थोड़ा सा चंदा करके, थोड़ा सा किसी से मांग के, लेकिन उस बाजार को जरूर देखने आती थी। और इतनी भीड़ होती थी कि धक्का मुक्की होती थी, जहाँ पर भी देखो हमारी सब औरतें, भाई बंधु सब वहाँ पर पहुँचते थे। तो ये उस समय एक बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय होता था प्राचीन समय में तीज मनाने का। अब धीरे धीरे ये संस्कृति हमारी सुदृढ़ होती गई, बढ़ती गई, तो आज जो है इसको बहुत कम मनाते हैं, लेकिन फिर भी इसको मनाना चाहिए, अपने पारंपरिक वेशभूषा पे मनाना चाहिए। तो मेरा सभी बहनों से और सभी माताओं से आग्रह है कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम हमको प्रतिदिन करना भी चाहिए, प्रत्येक वर्ष करना चाहिए, और सभी से अनुरोध है। अंधेरी पक्ष आते हैं तो अंधेरी पक्ष के तीसरे दिन तीसरी रात उजियारी के तीसरे दिन जब तीज आता है तो वह दिन तीज मनाई जाती है, मतलब सावन के उजियारी पक्ष में तीसरे दिन जो आज है। आज मतलब बिल्कुल ठीक टाइम और धर्म के अनुसार आज तीज को दिन है, तो सावन के उजियारी पक्ष में तीसरे दिन ही तीज मनाते हैं। तो ना तो अब याद हो कि तो तीज मनाते हैं जी, अपने भैया भतीजे जो भी हमारे कुटुंब परिवार के रहते हैं उनकी सलामती के लिए मनाते हैं। तो जब ये अब हमारे भाई साहब बताएं कि दबहना जब हुआ, जब बहनियाँ गोलगुला पूरी लेके जब हुआ पे जाते हैं तो सबसे पहले दबहना के जहाँ पे है तो वहाँ में जब गांठी लगाता है तो वहाँ में गुली मतलब गुलगुला और पूरी प्यू रखा था। ठीक, जब बाकी पूछ लेते हैं अपने भैया की सलामती के लिए, पहले हमारी यहाँ पे अगले तीसरे वर्ष हम मनाए हैं तो हमारे सड़ा सड़िया के चेतो जी रहे, उनको कहना है कि एक ही सांस में बांधत रहे कि पहले हमारी एक सांस में बांधत रहे, फिर बाकी पुहात रहे। तो पुहान के ताही जब पुहात रहे तो हमें चांदी के वो चाहिए रहे, पायल हो, पायलों कहते रहे गाँव को हरवा है माँ में ले जाएंगे सब हाथ रहेंगे जो मेरे भैया को सलामती रहा है। तो अगर वो याद रहे तो जो सबसे पहले व्रत भैया रखी रहे, तो जब हमारे भाई साहब बताएं कि गौरा पार्वती जी जो उस समय देखी जब धरती में विचरण करना आई तो जब देखी कि भैया जो है अपने भैया की सलामती के लिए बहा रही है तीज के त्योहार में पूजा करके और जब बहा रही है उनके लिए, तो जो सही सलामत कह जाते रहे तब तो वो हंसत रहे और जो ना कह पात रहे तो बकले को रोत रहे, तो जाकी आयु कम रहे। इसलिए वो कभी हंसत है और कभी रोत है। तो अब शायद मेरी बहनों के मेरी माता के तीज के त्यौहार के बारे में मालूम भी होगी, सबसे ज़्यादा हम अपने भैया और भतीजे के नहीं उनकी लंबी आयु उनके नहीं हम जो तीज को त्यौहार मनाते रहे। अब तो उनको नौ रूप भीलों के रक्षाबंधन की तरफ से मनाने लगे, पहले रक्षाबंधन हमारे में कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से हम अपने तीज को त्यौहार मनाते हैं। सारी मेरी बहनें छोटे छोटी हैं उनको भी अच्छी तरह याद होगी सावन के महीना में जब उजियारी पक्ष आता है तो तीसरे दिन तीज को त्यौहार हमारा होता है, कोई पूछेगा तो जवाब दे देंगे क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर झूलाए सब बहना घूमाए खालिया है हरी 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 हर हम तो सखियाँ।
जो